हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2024। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू का एक टेस्ट पेपर देखेंगे। आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करके और आपको भी टेस्ट देना है और चेक करना है कि आपकी करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसी है। आप सभी को पता है कि करेंट अफेयर्स का वेटेज जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजी व्यापम और सभी परीक्षाएं जो इनके द्वारा आयोजित किए जाता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट ना करते हुए टेस्ट की शुरू करते हैं और अब लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपका टोटल में से कितना सही होता है। ठीक है, इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन का टेस्ट जो है ऑलरेडी जो है इसी का वार्षिकांक का ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने टेस्ट को नहीं दिया है तो आप जाके उसको भी टेस्ट को दें। इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम 26 से लेकर 50 तक का एमसीक्यू जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 26वां प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है कि शहीद श्रवण कश्यप को मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित किया गया है, वह कहाँ के निवासी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्न जो है कई बार से पूछ लिया जाता है और हमको पता नहीं रहता। ठीक है, तो ये श्रवण कुमार कहाँ के हैं जिनको मरणोपरांत कृति चक्र प्राप्त हुआ, आपको बताना है। बस्तर, राजनांदगांव, सूरजपुर या फिर जसपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस्तर के थे शहीद श्रवण कश्यप। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है कि पद्मश्री डोमार सिंह को किस जिले का जिला स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बालोद, दुर्ग, रायगढ़ या फिर जसपुर, कहाँ के हैं आपको ये बताना है कि जो पद्मश्री डोमार सिंह हैं ये कहाँ के। ठीक है, कौन से जिले के, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, 28वां प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। दुर्ग में, रायपुर में, जगदलपुर में या फिर रायगढ़ में। वीडियो को पॉज करना है और आपको आंसर देने की कोशिश करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि टोटल में से आपका कितना सही हो रहा है और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि इन 2500 प्रश्न में आपका जो है कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो जनजातीय वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रायपुर इसका सही आंसर है, रायपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, 29वां प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का प्रथम रॉक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, कहाँ किया गया। देखिए एक्चुअली में ये क्वेश्चन एकदम से करेंट का भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इसको पूछा जा चुका है सीजी व्यापम के एग्जाम में और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम रॉक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बीजापुर, जगदलपुर, सूरजपुर या फिर सुकमा। इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि सुकमा में छत्तीसगढ़ का प्रथम या फिर पहला रॉक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले अगर मैं पहले भी प्रश्न करा चुका हूँ कि प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ पे बनाया गया था, तो आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे कि ये ग्रामीण क्षेत्र की बात किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कौन सा है। तो पहले आप उसको कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएं कहाँ पर स्थापित किया गया, जगदलपुर, रायगढ़, खैरागढ़ या फिर धमतरी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जगदलपुर के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पहला मिलेट्स कैफे का को स्थापित किया गया। ठीक है, 30 प्रश्न हो गया। चलिए 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में खनिज से वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व किस खनिज से प्राप्त हुआ। मतलब जितना भी राजस्व प्राप्त हुआ खनिजों द्वारा, उनमें सबसे अधिक किस खनिज से 2022-23 में राजस्व प्राप्त हुआ आपको बताना है। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइड। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है 2022-23 में। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपसे एक ऑर्डर बता देता हूँ कि कौन से सिक्वेंस में, तो अगर जो सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाले अगर जिलों का ऑर्डर पूछेगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो राजस्व खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा से। ठीक है, दंतेवाड़ा के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा कोरबा,
और तीसरा नंबर जो आ जाएगा रायगढ़। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। खनिज राजस्व को सबसे अधिक, मतलब खनिज राजस्व प्राप्त कहाँ से हुआ है 2022-23 में, दंतेवाड़ा सबसे ज़्यादा, फिर कोरबा और फिर रायगढ़। ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या राजनांदगांव, कहाँ आयोजन किया गया है? तो रायपुर में आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, 5 स्टेशन, 6 स्टेशन, 7 स्टेशन या फिर 8 स्टेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि प्रदेश का 7 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न है कि दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, या स्वर्ण पदक हासिल किया? दुर्गा चंद्राकर, मोनिका वर्मा, मिताली राज या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा चंद्राकर ने दुबई में जो आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीतकर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, ठीक है, दुर्गा चंद्राकर, ठीक है। अब कोई कमेंट करके बताइए कि दुर्गा चंद्राकर जो है वो किस जिले से संबंध रखती है, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या है? मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2023, 13 मार्च 2023, 13 अप्रैल 2023 या फिर 13 मई 2023, कब इसका शुरुआत किया गया है, इस मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 2023 को इस मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कहाँ से अगर पूछ देगा तो जगदलपुर बस्तर से, ठीक है, बस्तर के जगदलपुर से इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। और यह जो योजना है, प्रदेश के जितने भी 85 आदिवासी विकास खंड है, ठीक है, 85 के 85 आदिवासी विकास खंड में ये प्रचलित है, इसको शुरुआत की गई है। अगर ग्राम पंचायतों की संख्या पूछेगा तो 1840 ग्राम पंचायतों में इस योजना को चलाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा पूरा को। चलिए 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी? अभी तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है 13 अप्रैल 2023 से हुआ, ठीक है, जगदलपुर बस्तर से हुआ था। लेकिन अब इसमें पूछा क्या है कि इसके तहत कितना राशि जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा, आपसे ये पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये की 2 किस्त जो है प्रतिवर्ष जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसके तहत दिया जाएगा, ठीक है। 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 का जो बजट है, इस बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है, कितने रुपये का? 5 करोड़ रुपये का 2023-24 के बजट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कितने फीसदी लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आ गए हैं? देखिए, एक रिपोर्ट जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। और इसके तहत 2015-16 से लेके, इस डाटा को याद रखिएगा, 2015-16 से शुरू करके 2019-21, ठीक है, इस टाइम पीरियड तक का बात किया गया कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर 40 लाख, ठीक है, ये चीज़ को डाटा को याद रखिए कि 40 लाख लोग जो हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। डेट को याद रखिए, कब? 2015-16 के से लेके 19-21, इनके बीच का जो समय पीरियड है उसमें 40 लाख लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। अब इसके अंदर भी पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, आपसे ये पूछा गया है। ये 40 लाख अगर
क्वांटिटी में अगर पूछा जाए, लोगों की संख्या में अगर पूछा जाए तो 40 लाख, प्रतिशत या फीसदी में पूछे तो 13.53% लोग जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आ गए हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 से 21 में राज्य की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के प्रश्न अलग थे, ठीक है, थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी करिएगा। पूछा गया कि 2019 से 21 में राज्य की कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें पूछा गया था कितने लोग बाहर आ गए, कितने लोग यहाँ पे यापन कर रहे हैं, वो आपसे पूछा गया। 18.86, 19.37, 21.36 या फिर 24.03%। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 19.37% लोग जो है 2019 और 21 के बीच की डाटा के अकॉर्डिंग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ देगा कि ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितने फीसदी लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ठीक है, गरीबी रेखा से बाहर, ठीक है, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो पूछ देगा तो याद रखिएगा 16.67% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से बाहर आए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन रक्षक दीपक शर्मा को गज रक्षक गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह कौन से वन मंडल से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। महासमुंद वन मंडल, जगदलपुर वन मंडल, रायपुर वन मंडल या फिर रायगढ़ वन मंडल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दीपक शर्मा जिनको गज रक्षक गौरव अवार्ड प्रदान किया गया है वो महासमुंद वन मंडल से संबंध रखते हैं। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य टसर रेशम के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा, किस स्थान पे है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो छत्तीसगढ़ राज्य हमारा वो टसर रेशम के उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में लघु वनोपज पर आधारित विकास कार्यों की रैंकिंग में कौन सा वन वृत्त जो है पहले स्थान पर है। सीधी सी बात यह है कि ऐसा कौन सा वन वृत्त है छत्तीसगढ़ के अंदर जो कि लघु वनोपज पर जो भी कार्य होता है, विकास कार्य, उसमें पहले स्थान पर आता है, दुर्ग, कांकेर, जगदलपुर या फिर बिलासपुर। सही आंसर आई थिंक आप सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर जो है पहले रैंक पर आता है। ठीक है, चलिए अब हम 42वां देखते हैं। 42वां प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है, स्कॉच अवार्ड 2023, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, पृथ्वी पुरस्कार 2023 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये शायद आप पहले भी करेंट अफेयर में देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज सहकारी संघ को पृथ्वी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में मतदाता सूची का लिंगानुपात क्या है, मतलब कहने का क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि जितने भी मतदाता हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनमें जो है लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो पूछा गया, लेकिन किसमें पूछा गया, केवल मतदाता में जो मतदान कर सकते हैं उनमें की बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, बताना है 991, 1001, 1002 या फिर 1007। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1002। ठीक है, मतदाता सूची में जो लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 1002 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न था ये, ठीक है ना वाला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेदेश्वरी शर्मा को जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है, वह कौन से जिले से संबंध रखती हैं, बीजापुर, कांकेर, जगदलपुर या फिर कोंडागांव, कहाँ की हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेदेश्वरी शर्मा जी हैं कहाँ की हैं, कोंडागांव की हैं, और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न है कि प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए रोका छेका अभियान कब से कब तक चलाया गया, 6 से 10 जुलाई तक, 6 से 30 जुलाई तक, 6 से 17 जुलाई तक या फिर 6 से 25 जुलाई तक। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 6 से 17 जुलाई तक प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 2023-24 के लिए रोका छेका अभियान को चलाया गया। आप कमेंट करके बताइए ये जो रोका छेका अभियान है
वो किससे संबंधित है, ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए किसका, किससे संबंधित है रोग का छिका अभियान। सबका मैं कमेंट जो है चेक करूंगा और मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 46वां प्रश्न है कि प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक, अच्छा प्रश्न, ठीक है, खेल से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल प्रतियोगिता जो है राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, उसका आयोजन कहाँ किया गया था, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और इसमें छत्तीसगढ़ की जो महिला फुटबॉल टीम थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम, ठीक है, छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम को इसमें जो है गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 46 प्रश्न हो गए, 47वां प्रश्न है कि वर्तमान में प्रदेश में लागू राज्य महिला उद्यमिता नीति का अवधि है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति को चलाया गया है, तो वो कब से कब तक के लिए इस नीति को लाया गया है आपको बताना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, या फिर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, कौन सा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महिला उद्यमिता नीति जो है लाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला 48वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पूर्व, सॉरी पूर्व नहीं, ये पर्व है, ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई है। देखिए, इससे पहले मैं बताया था छत्तीसगढ़ में आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अलग है, ये है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना, इसमें आदिवासी की बात नहीं किया, आदिवासी पर्व सम्मान नहीं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया वो पूछा गया। 1 अप्रैल 2023, 13 अप्रैल 2023, 14 अप्रैल 2023, या फिर 20 अप्रैल 2023, कब, ठीक है। तो जब आपसे छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना पूछेगा तो ये हुआ था 20 अप्रैल 2023 को ये लागू हुआ था, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई थी 20 अप्रैल 2023, और जो आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना था उसका कब था, 13 अप्रैल 2023, हमने देखा शुरू में। ये जो पर्व सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ ही पर्व सम्मान निधि योजना, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए है, ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पंचायत है उसके लिए इसको शुरू किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 49वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ श्रमिक साक्षरता के मामले में देश का कौन सा स्थान पर है, ठीक है, क्या बोला है कि छत्तीसगढ़ श्रमिक साक्षरता के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, मतलब छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक हैं उनमें साक्षरता का अगर देखा जाए तो कौन से स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर आता है श्रमिक साक्षरता के मामले में। 50वां और आखिरी है इस वीडियो का, ठीक है, कि हाल ही में पांडुवंशीय काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, आरंग रायपुर से, रायगढ़ से, पाटन दुर्ग से, या फिर सोंडरा रायपुर से, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सोंडरा रायपुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 26 से लेकर 50 तक का इम्पॉर्टेंट, मतलब 25 क्वेश्चन जो है MCQ हमने देखा, इस 25 में से आपका कितना सही हुआ है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, इससे आपकी तैयारी पता चलेगा, और आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन से टॉपिक पे चाहिए आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है, मैं बाकी वीडियोस भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम वहाँ पर वीडियो का
नोटिफिकेशन दे देते हैं, वीडियो का पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ करेंट अफेयर्स हो गया वो सब देखते हैं, और कोई डाउट है तो हम डाउट भी वहाँ पे सब मिल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।